जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेने वाले हैं, इसलिए सब लोग गाने में दिल से भाग लो। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, गीत क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। गीत क्रमांक 15 आओ रे गीत क्रमांक 15 आओ रे आओ रे आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है पावन
करना, आओ रे सब मिलकर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। गीत क्रमांक 109 यीशु का नाम है। गीत क्रमांक 109 यीशु का नाम है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। अपना हृदय उसको दे कर देखो नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको दे कर देखो नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे पापी पाते उधार। लोग बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोग बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो
वो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो वो आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उधार। गीत क्रमांक 108 प्यारो हिम्मत बांधो। गीत क्रमांक 108 प्यारो हिम्मत बांधो। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो पूर्ति करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो पूर्ति करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते इंसान, पाप दुख में चारों तरफ मरते इंसान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो ईश्वर ईमान, पापी बसते जाते लाते जो ईश्वर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बेरी शर्माते सुनिए शुका ज्ञान, दास कहे बेरी शर्माते सुनिए शुका ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हरता है शैतान, लोग मसीह को मानते जाते हरता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हालेलुया 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 हालेलुया।
गीत क्रमांक 99 आराधना हो तेरी। गीत क्रमांक 99 आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरी, नाम की स्तुति हो। गीत क्रमांक 22 जय जय प्रभु यीशु की। गीत क्रमांक 22 जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हम गो बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के करनी। खून की धारा बहती
गीत क्रमांक 24 पावन आत्मा आओ। गीत क्रमांक 24 पावन आत्मा आओ। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन पावन आत्मा।
हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 12 मुझको बुलाता है। वहाँ गीत क्रमांक 12 मुझको बुलाता है। मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी सभी जन अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अभी हम नाच गाकर उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए सब नाचते हुए गाते हुए इन गानों में भाग लें। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं पर प्यार होता रहे। मन करता पग पग पर
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझे को ठुकराए, चाहे सब मुझे को ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझे को भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे को भूल जाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ शैतान हरा हुआ मेरा। यीशु विजयी हुआ, शैतान हरा हुआ मेरा, यीशु विजयी हुआ, मेरा विजयी हुआ।
हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। ओ हमें जलावे ओए हमें राखे हमरे घर जिया के ओए पूरा करे। ओ हमें जलावे ओए हमें राखे हमरे घर जिया के ओए पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। प्रभु यीशु गुरा में उठावे भारी विपत्तियां में जी घबराए तभी प्रभु यीशु गुरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु आवे हमरा संग संग। हमरा के कवरो भया बनाए के जीवन की प्रभु यीशु हमें संग संग। हमरा के कवनो भया बनाए के जीवन के प्रभु यीशु हमें संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। प्रभु यीशु हावे हमरा संग संग। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग खड़े ही रहिए और पूरे दिल से नाचते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि पूरा उस परमेश्वर की ओर लगाइए। देखिए, जिसके सामने आप खड़े हो वो कोई मनुष्य नहीं है तो बल्कि वो जिंदा परमेश्वर है। हाँ, वो इतना जीवित है कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ हो, स्वर्ग में बैठकर भी वो पृथ्वी पर की हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला वो परमेश्वर है। तो सोचिए वो कितना जीवित होगा, कितना महान और वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो महान पिता जिसका नाम बाइबल कहती है यहोवा है, वो मेरा और तुम्हारा रचने वाला है, हम सबको वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। उसी ने संपूर्ण विश्व को निर्माण कर दिया। देखिए, हमारे अस्तित्व में आने से पहले उसने इस विश्व को रचा है। उसके बोलने से सूरज तैयार हो गया, उसके बोलने से चांद तारे अस्तित्व में आ गए, उसके बोलने से संपूर्ण विश्व अस्तित्व में आ गया। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि को अपने शब्दों से रचा है। हाँ, उसने इस सृष्टि को रचने के लिए अपने हाथ की कोई मेहनत नहीं ली, तो केवल वो बोला और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। देखिए, उसने हमें एक अच्छा शरीर देकर आशीषित किया है। हाँ, जबकि उसने हमें मिट्टी से रचा है, तो भी देखिए उसने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है। हमारे शरीर का हर एक अवयव कितना अच्छे तरीके से बनाया है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। उसने हमें देखने के लिए आंखें दी है और बोलने के लिए मुंह दिया है और हमें हाथ काम करने के लिए हाथ पैर दिए हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसने हमें अच्छी बुद्धि देकर आशीषित किया है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो पिता परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है। हाँ, वो प्यार और केवल प्यार से भरा हुआ है। उसके प्यार के वजह से ही आज संपूर्ण विश्व चल रहा है। आज दुनिया में कितनी बुराइयां हैं, तो भी देखिए उस परमेश्वर ने इस दुनिया को नाश नहीं किया, क्योंकि वो अपरंपार हम पर प्यार करता है। उसके प्यार की कोई मर्यादा नहीं, इतना बढ़कर वो हमसे प्यार करता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। जोर से ताली बजाइए और इस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी। बनाया है रंग बिरंगे फूलों
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर को सच में जिसने हमें सुंदर जीवन दिया है, एक आशीषित जीवन देकर उसने हमें आशीर्वादित किया है। इसलिए उस महान परमेश्वर के पास आकर दिल से कहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने मुझ पर प्यार किया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने हम पर प्यार किया, इसीलिए तो अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया। उस प्रभु यीशु के आने से हमें जीवन में मुक्ति और शांति मिल गई। हमारे जीवन को कोई दिशा नहीं थी, कोई आकार नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, बस हम चलते जा रहे थे। कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमें मंजिल ही मालूम नहीं थी। लेकिन देखिए, वो प्रभु यीशु हमारी मंजिल बनकर हमारे पास आया। हाँ, वो हमारा किनारा बनकर हमारे साथ आया। जब हम रास्ते में चल रहे थे और गिर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आ गया। उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर उस परमेश्वर ने कृपा नहीं की है, क्योंकि बिना उसके कृपा के कोई उसके राज्य में खड़ा नहीं रह सकता। आप अगर खड़े हो तो उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा और उसकी दया है। हम अपने अक्कल से और अपनी बुद्धि से यहाँ नहीं खड़े हैं, तो बल्कि उस परमात्मा की कृपा हम पर हो गई है, इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, वो हमारा विधाता, वो हमारा रचने वाला, वो हमारे भाग्य का विधाता, वो परमेश्वर जिसे यहोवा परमेश्वर कहा गया है, उसने हम पर दया की और अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, और उस प्रभु यीशु के द्वारा आज हम सब लोग बच गए हैं। इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। पापों की क्षमा वो लेकर आया, बीमारियों से मुक्ति वो बनकर आया, दुखों से बाहर निकलने के लिए वो हमें आया, इसीलिए उसे धन्यवाद दीजिए। उस प्रभु यीशु की महिमा गाइए, क्योंकि देखिए हमारा पुराना जीवन उसने खत्म कर दिया है और उसके लहू से उसने हम सबको नया बना दिया है। इसलिए उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, तूने हम सबको बचा लिया है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तालियां बजाते हुए नाचते गाते उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। महिमा गाई ब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नचे गाई के। महिमा गाई ब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नचे गाई के। महिमा गाई ब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नचे गाई के। महिमा गाई ब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाई नचे गाई के। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उस प्रभु यीशु को जितना हम धन्यवाद देंगे उतना कम है, क्योंकि देखिए हमारे लिए उसने लहू को बहाया है, हमारे लिए उसने खुद की कुर्बानी दी है। जिस क्रूस पर हम मरने वाले थे वो जगह तो उसने ले ली हमारी, हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को, तकलीफों को, संकटों को, सब कुछ उस प्रभु यीशु ने ले लिया। आज अगर हम दुख से मुक्त हो चुके हैं, आज अगर हम बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं, तो केवल प्रभु यीशु की वजह से। प्रभु यीशु, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, देखिए उसके दुखों को। वो प्रभु अगर हमारे लिए क्रूस पे ना मरता, अगर हमारे लिए उसने चाबुक की मार ना खाई होती, तो आज हम सब उस दुष्ट, उस शैतान के हाथ में होते, और वो हमें रोज तकलीफ देता, रोज हमें तकलीफों से भरता, रोज हमारी बीमारियों को वो बढ़ाता, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। पर वो प्रभु यीशु ने हम पर दया की, उसने हम पर कृपा की, आज उस क्रूस से वो लहू को बहा रहा है। देखिए 2000 साल पहले जब वो क्रूस पे मर रहा था, उस समय हम में से कोई भी वहाँ पर नहीं था, पर वो प्रभु यीशु हमें देख रहा था, हमारे पापों को वो जानता था, हमारी तकलीफों को वो जानता था, इसलिए संपूर्ण मानव जात के लिए वो क्रूस पे मरा। मेरे और शैतान के बीच में, हाँ हमारे और शैतान के बीच में वो प्रभु आकर खड़ा हो गया, हमारी कीमत को उसने चुका दिया, हमारे दंड को उसने ले लिया। अपना मुंह खोलो और कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे क्रूस के महान बलिदान के बदले हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू महान है, तू महान है, तू महान है, मेरे लिए तू मरा। हाँ प्रभु, मेरे लिए तू मरा, मेरे पापों को उठा लिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। जय जय प्रभु येसु की, जय जय प्रभु येसु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकार आया मसीह जगत में, का करने ना खून
और अभी ये समय है आराधना करने का, इसलिए आप में से जितनों को हो सके वो घुटने पर आ जाइए। घुटने पर आकर अपने हाथों को ऊपर उठाकर आंखें बंद करके उस महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। अपने आसपास की परिस्थिति को भूल जाइए, देखिए वो महान परमेश्वर जिसने आपको, आपके जीवन को और मेरे जीवन को आशीषों से भरा है। सब प्रकार के उत्तम वरदानों से उसने हमें आशीषित किया है। उस महान परमेश्वर की आराधना कीजिए, उस प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, उस पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, और कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, और ऊंचा तेरा नाम भी, और ऊंचा तेरा मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस प्रभु यीशु को क्रूस पे हम सब के लिए मारा गया, पर वो क्रूस पर ज़्यादा समय ना रह सका, मौत उस पर सत्ता ना चला सकी, वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया है। हाँ, ये सच है कि हमारा प्रभु जीवित हो गया है, और वो आज भी जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, और आज भी अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। हाँ, जो लोग उससे मांगते हैं वो उनको अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। वो उसने अपने चेलों को वादा किया था, और वो वादा वो आज भी पूरा कर रहा है। इसलिए आप में इसलिए आपको भी अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और उस पवित्र आत्मा को बुलाइए अपने दिल में। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आ जा हमारे दिल में, आ जा हमारे दिल में, आ जा हमारे दिल में, तेरे सामर्थ्य से भर दे, तेरी आत्मा से हमें भर दे, तेरी बुद्धि से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, छू ले इन सारे भाई बहनों को, छू ले इन सारे भाई बहनों को, आ हमारे अंदर, आ जा हमारे अंदर, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 11 और 12। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए धनवान हो जाओ, जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तुम सब बातों में हर प्रकार की उदारता के लिए धनवान किए जाओ, अमीर बन जाओ। किस बात में? उदारता में। हर बात में सब प्रकार की उदारता में धनवान बन जाओ, जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे के वचन में वो कहता है कि क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस पूरे अध्याय में पौलुस विश्वासी लोगों को एक महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है, महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है, और वो है कलीसिया में दान देने के बारे में, परमेश्वर के राज्य में बोने के बारे में, बीज बोने के बारे में, दान देने के बारे में। और इस बात को सिखाते हुए वो ऐसा बता रहा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए धनवान बन जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब हम अनंत जीवन का सफर शुरू करते हैं, तब हमें अपने जीवन में कई सारी बातों को करना पड़ता है और कई सारी बातों को छोड़ना पड़ता है। जो पुरानी जिंदगी की गलत बातें थी उन्हें छोड़ना पड़ता है, और जो हम कभी किए नहीं थे उनको करना पड़ता है। उनमें से महत्वपूर्ण बातें आप जानते हैं, जैसे कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ते जाना, स्तुति करते रहना। ये आत्मिक सफर की बातें हैं जो हमें करती रहनी चाहिए, और उन्हीं के बीच में
और एक महत्वपूर्ण सेवा है। जैसे कि प्रार्थना करना एक सेवा है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना एक सेवा है, परमेश्वर की अलग अलग रीति से सेवा करना भी सेवा है, और इसी में दान करना भी एक महत्वपूर्ण सेवा है जो हर एक व्यक्ति जो आत्मिक सफर में है उसे करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है समझ लीजिएगा। जब हम अंधकार में थे हमारे अंदर एक अलग स्वभाव था, जब हम रोशनी के संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए, यानी परमेश्वर के लोग बन गए, परमेश्वर के बच्चे बन गए, तब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतरना ज़रूरी है। जब हम अंधकार में थे हमारे अंदर शैतान का स्वभाव था, वो क्या है, स्वार्थ, केवल लेते जाना, हर बात में मेरी भलाई, मेरा फायदा, मेरा फायदा कहाँ होगा, मेरी भलाई कहाँ होगी। यहाँ तक कि एक भाई अपने सगे भाई के बारे में भी ये सोचता है कि कैसे इसे फंसा कर इससे ज़्यादा जमीन मैं हड़प कर लूँ, जायदाद में से ज़्यादा हिस्सा मैं पाऊँ। किसको फंसा रहा है, सगे भाई को, जिसके साथ बचपन में मिलकर खाना खाया, मिलकर खेले कूदे, बहुत अच्छे से बचपन गुजारा। अभी उसी भाई के लिए सोच रहा है कि जब बंटवारा हो जाएगा मैं अपने भाई को कैसे फंसाऊँ और उससे ज़्यादा हिस्सा मैं कैसे पाऊँ। ये शैतान का स्वभाव है, स्वार्थ। घर घर में हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ है और हर कोई दूसरों को लूटना चाहता है, फंसाना चाहता है और अपने आप के लिए बहुत बातें हासिल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थ अंधकार के लोगों का स्वभाव है, सच्चाई में यह शैतान का स्वभाव है, स्वार्थ। पर हम शैतान के गुलाम बनने के कारण उसी का स्वभाव हमारे अंदर भी उतर जाता है और हम भी स्वार्थी बन जाते हैं। जैसे कि हम जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की सच्ची पहचान हमें हो जाती है, उसके बाद हमारे अंदर ये जो शैतान का स्वभाव है वो निकल जाना चाहिए और परमेश्वर का स्वभाव उतरना चाहिए। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, वो देता है, देता है और देता है। उसे उदार कहा गया है, वो उदार है, वो उदार मन का परमेश्वर है। क्यों, आज सुबह जब सूरज की रोशनी निकली उसके पहले दुनिया के बुरे लोग भी जाग गए, जिन्होंने कल किसी का मर्डर किया है आज भी वो जिंदा है। परमेश्वर ने आज भी उनको सांस दी है, उनको जिंदा रखा है। कल के दिन में जिन्होंने किसी पर भयानक अन्याय किया है आज वो भी जिंदा है। परमेश्वर ने उसके अंदर भी जीवन रख दिया है, अभी तक उसको मार नहीं डाला। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कल किसी का मर्डर किया और मर्डर करने वाले आज दुनिया में नहीं रहे, सबके सब खत्म हो गए। नहीं, आज भी वो जीवित है। वो उदार परमेश्वर है, देता है, देता है, और इसीलिए बाइबिल कहती है कि वो धर्मी के ऊपर और अधर्मी के ऊपर भी मेह बरसाता है, धर्मी और अधर्मी को भी सूरज की रोशनी देता है, क्योंकि वो उदार मन का परमेश्वर है, वो देना जानता है, वो छीनना नहीं जानता, देना जानता है। वो देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। और आप मुझे बताइए, परमेश्वर जो इतना उदार है, जो बस देते जाता है, उसकी महिमा या उसका वैभव या उसकी संपन्नता या समृद्धि जो भी है उसमें क्या घटी आ गई है। वो जितना देने वाला बन गया उतना उसका महिमा बढ़ते गया, उसकी बड़ाई बढ़ते गई, कम नहीं हुई। वो देने वाला परमेश्वर है, उसके अंदर स्वार्थ जरा भी नहीं है।
पापियों को भी सुधारने का मौका देता है। किसी ने कल मर्डर किया है, आज वो धरती पर जीवित है। आज के घड़ी पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कल किसी का मर्डर किया है, आज वो जीवित है। क्यों जानते हैं? परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तुझे इसलिए मौका दे रहा हूँ कि तुझे अपने बुरे कामों का पछतावा हो जाए, पछतावा हो जाए, तू पश्चाताप करे, गलत रास्ते को छोड़कर शैतान के हाथ में से बाहर निकलकर मेरे पास आ जाए और आंसू बहाकर ये कहे, हे प्रभु, मैंने इसका मर्डर किया, कितना बड़ा पाप किया, मुझ पर दया कर। प्रभु इस बात के लिए इंतजार कर रहा है, इस बात के लिए रुका है और इस बात के लिए आज भी परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का स्वभाव। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, कितने सारे लोग हैं सूरज अपने आप तैयार हो गया ऐसा बोलते हैं, कहते हैं बारिश अपने आप होती है, सब कुछ अपने आप होता है, पेड़ अपने आप उगते हैं, अनाज अपने आप आता है, कोई करने वाला नहीं है, परमेश्वर दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर नहीं है, ऐसा बोलने वाले लोग संसार में जिंदा है और उनके अंदर भी परमेश्वर ने जीवन दे रखा है। उनको भी समय पे रोटी खिलाता है, उनको भी पानी पिलाता है। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है, दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, उन्हें भी परमेश्वर खाने पीने को पहनने को रहने को देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उदारता का परमेश्वर है। उसका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं यीशु का क्रूस ये परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है, जिस पर परमेश्वर के पुत्र का बलिदान हुआ पापियों को बचाने के लिए। ये परमेश्वर का दिल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अंधकार में थे, स्वार्थी थे, हम पराई के लिए तो कुछ नहीं करते थे पर अपनों के लिए भी नहीं करते थे, पराई के लिए कुछ नहीं करते थे, परायों का भला नहीं सोचते थे पर अपनों का भी भला नहीं सोचते थे। भाई को भी फंसाते हैं, बहन को भी फंसाते हैं, माँ बाप को भी फंसाते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, एक बार माँ बाप के जायदाद का हिस्सा उनको मिल गया कि उनको छोड़ देते हैं। जब तक माँ बाप के जायदाद का हिस्सा नहीं मिलता है, ऐसी उनकी सेवा करते हैं कि लोगों को लगता है कितना अच्छा बेटा इसको मिल गया है, कितनी अच्छी बेटी मिल गई है। पर बेटा क्यों सेवा कर रहा है, बेटी अपनी माँ की सेवा क्यों कर रही है, वे ही अंदर से जानते हैं। वे बस चाहते हैं एक बार संपत्ति का हमारा हिस्सा हमें मिल जाने दो, और मिलने के बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की घटना है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी औरत ने निवासी शिविर में लाया था। मुझे लगता है 65-70 के आसपास उनकी उम्र थी और उन्हें कुछ तो एक बड़ी बीमारी हुई थी। पति पत्नी दोनों भी बहुत अमीर थे और इन्होंने बहुत इलाज कराए थे, वे ठीक नहीं हुए थे। तो किसी ने उनको प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। उनकी औरत अपने पति को लेकर शिविर में आई। उस समय काउंसलिंग के समय ब्रदर खुद लोगों को मिलते थे। उन्होंने ब्रदर को अपनी समस्या बताई, ब्रदर ने उनके लिए प्रार्थना भी की। दोनों पति पत्नी बड़े शांति से और मन लगाकर शिविर में भाग ले रहे थे। शिविर का मुझे लगता है तीसरा या चौथा दिन था। उस समय 5 दिन का निवासी शिविर होता था, तो तीसरा या चौथा दिन था। रात का समय था, 8-8:30 शायद बज गए होंगे। एक बड़ी 4-व्हीलर केंद्र के अंदर आ गई। उसमें आए थे इनके बेटे। किस लिए आए थे? पिताजी को वापस लेकर जाना है, घर लेकर जाना है। उनकी माँ रो रही थी,
वो व्यक्ति भी रो रहे थे जिनको लेने के लिए उनके बेटे आए थे, बड़ी भारी गाड़ी लेकर आए थे और सुनने को तैयार ही नहीं थे। उस भाई की औरत ब्रदर के पास जाकर बोलती है, ब्रदर मैं जानती हूँ मेरे बेटे क्यों आए हैं, उनको मालूम है मेरे पति जिंदा नहीं रहने वाले हैं, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर साइन लेने के लिए उनको लेके जा रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी के जान के बारे में और सेहत के बारे में कुछ नहीं पड़ी है, उनको बस प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर साइन चाहिए। वो बेचारी इतनी रो रही थी, अपने बेटों के सामने हाथ जोड़कर बता रही थी, कल बस एक दिन शिविर का बाकी है, उतना हमको पूरा करने दो, उसके बाद तो हम घर ही आ जाएंगे, आपको जो करना है वो कर लेना। पर बेटों को इस बात की हड़बड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने बताया था कभी भी पिताजी की जान जा सकती है, तो पिताजी की जान जाने से पहले पेपर के ऊपर उनकी साइन होनी चाहिए। वो बहन रो रही थी, उसके पति रो रहे थे और अपने बेटों के पास, दोनों अमीर थे, उनकी गाड़ी भी इतनी आलीशान भारी गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, और दोनों पति पत्नी रोकर अपने बेटों को ये बता रहे हैं कि बस एक दिन शिविर का बाकी है, उतना हमें पूरा करने दो, बाद में हम घर ही आने वाले हैं, जो भी करना है कर लेना। सुना नहीं, बहुत गुस्सा किया और बहुत माँ बाप को डांट कर गाड़ी में बिठा कर लेकर गए। जाते समय वो औरत हमको बोल कर गई, मुझे मालूम है आगे क्या हो जाएगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बताइए मनुष्य के अंदर कितना भयानक स्वार्थ हो सकता है, कितना भयानक स्वार्थ। माँ रोकर बता रही है बस एक दिन शिविर का हमको पूरा करने दो, पिताजी भी बता रहे हैं अपने बेटों के आगे हाथ जोड़कर बता रहे हैं, बेटे सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको क्या दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है उनको? बंगला दिख रहा है, जमीन दिख रही है, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी। क्या इसको साथ लेकर जाओगे? आज आपके पापा की हालत आप ऐसी बना रहे हो, समय आएगा कि आपको आपके बच्चों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। जो आपने बोया है उसी की कटनी तो काटनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वार्थ, दुनिया में हर जगह स्वार्थ है, कोई किसी को देना नहीं चाहता है, बस लूटना चाहता है, मेरा भला हो जाए। इसलिए मैंने कहा कोई पराए का भला तो करता नहीं है, पर अपनों का भी नहीं करता है, अपनों के बारे में भी स्वार्थ देखता है, मेरा फायदा पहला हो जाए। पिताजी चाहे मर जाए पर पहले प्रॉपर्टी के पेपर के ऊपर उनकी साइन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण सलाह पौलुस यहाँ दे रहा है। परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के लिए बोना, दान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके द्वारा आप साबित करते हो हम पुराने लोग नहीं रहे। हम स्वार्थी थे पर अभी हम वैसे नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतर रहा है। वो देने वाला परमेश्वर है तो हम भी देने वाले लोग बन गए हैं, क्योंकि अभी हम शैतान के गुलाम नहीं है, अभी हम उस दुष्ट शैतान के बच्चे नहीं है, हम उस महान पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं जो उदारता से सबको देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बता रहा है कि तुम हर प्रकार के उदारता के बारे में धनवान बन जाओ, देने वाले लोग बनो। यदि देने वाले बन जाओगे तो उससे ये सबूत मिल जाएगा कि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। यदि आप बस बोलते हैं मैंने यीशु पर विश्वास किया है और आपके अंदर अभी भी स्वार्थ है, अभी भी आपके अंदर कंजूस स्वभाव है, आपने आपके स्वभाव को बदला नहीं है, तो आप परमेश्वर को नहीं और दुनिया को भी नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहे हैं। मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैंने पापों की क्षमा पाई, दिल कहाँ बदला है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि एक बार यीशु के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई कि हम उस रास्ते से चलते रहे,
कौन से रास्ते से? अनंत जीवन के रास्ते से। क्यों? उस रास्ते से चलते 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर बदलाव होते जाएगा और पुराना गलत पापी दुष्ट स्वभाव निकल जाएगा और परमेश्वर का पवित्र स्वभाव हमारे अंदर उतर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्वभाव होना चाहिए, देना, स्वार्थ नहीं बल्कि उदार बनना, देते जाना। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत आपके जेब में हाथ जाता है, आप उसको देते हैं, इसका मतलब आपका दिल बदल गया है। और आप सोचते हैं मैं क्यों दूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या पड़ी है, मेरा सब ठीक चल रहा है, वो उसका देख लेगा। इसका मतलब आप जबान से हालेलुया बोलते हैं पर आपका दिल अभी भी बदला नहीं है। सच्चाई में आपके अंदर जो परिवर्तन होना चाहिए वो अभी भी आपके अंदर हुआ नहीं है। पौलुस बता रहा है कि उस उदारता के द्वारा आप धनवान बन जाओ जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे के वचन में भी वो ऐसा कहता है कि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी बहुत होता है। जब हमारे अंदर सच्चा बदलाव होता है और हम देने वाले लोग बनते हैं तब हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जाए। प्रभु यीशु ने खुद भी कहा था कि तुम्हारे काम लोगों के सामने ऐसे आए कि उन कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें, उस महान परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी लोग प्रशंसा करें, बड़ाई करें। कब? तुम्हारे कामों को देखकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में दान करना, दूसरों की मदद करते रहना बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस जब ये खत लिख रहा था तभी वो दूर था और वो इस कलीसिया को बता रहा है कि दूसरे कलीसिया के लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनको दान करने के बारे में वो उनको सलाह दे रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है कि उदारता से दान देना परमेश्वर के राज्य में कितनी महत्वपूर्ण बात है। उसके कारण पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है और परमेश्वर का भी बहुत ज़्यादा महिमा होता है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोग सब के सब नहीं परंतु कई सारे लोग उदारता से दान देते हैं और उनके दान के कारण परमेश्वर की बड़ाई बढ़ती जा रही है, प्रभु का काम बढ़ते जा रहा है। कितने सारे लोग इस बात पर विश्वासी नहीं करते हैं कि यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोगों के दान के ऊपर ये सेवा कार्य चल रहा है। हम आपको जो भी यहाँ से देते हैं चाहे वो प्रार्थना का तेल हो या और कोई भी आध्यात्मिक वस्तु हो जैसे कि गाने की किताब हो या प्रार्थना का पेपर हो या जो भी आध्यात्मिक बातें देते हैं हम मुफ्त में बांटते हैं। आप बताइए हम कैसे मुफ्त में बांटते हैं? यहाँ आने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में दान देते हैं, इसलिए दान देते हैं कि प्रभु की महिमा बढ़ जाए। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके हम लोगों को ये चीज़ दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ निवासी शिविर लेते हैं, करीब करीब 106 निवासी शिविर हो गए, 106, हजारों लोगों ने शिविर में भाग लिया, हजारों लोगों ने शिविर में भाग लिया। उसके पहले भी जब हम भाड़े के हॉल पे थे वहाँ भी शिविर हुए थे 2 दिन के, और अभी जब 3 दिन के शिविर शुरू हुए 106 करीब करीब शिविर हो गए, हजारों लोगों ने शिविर में भाग लिया, प्रभु के अनुग्रह को पाया। हमने आज तक एक भी शिविर में लोगों से फी नहीं ली है, मुफ्त खाना दिया, मुफ्त चाय दिया, सब कुछ सेवा मुफ्त की। ये कैसे हो सका? प्रभु के लोगों ने प्रभु के राज्य में जो बोया उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई। हालेलुया,
हालेलुया। आप में से जितने दान देने वाले लोग हैं, कभी मत सोचना कि हम एक छोटी सेवा कर रहे हैं। दान देने वाले लोग छोटी सेवा नहीं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की बहुत 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 महिमा होती है। और ऐसे जो लोग हैं जो महीने महीने सालों साल प्रभु के राज्य में है, पर अभी भी दान देना पसंद नहीं करते हैं, अभी भी उनके अंदर स्वार्थ है, आपको आज ये प्रवचन सुनने के बाद दिल को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्ची सेवा जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आप नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतरा नहीं है। मैंने इस बात की गवाही बहुत बार दी है और आगे भी हमेशा देती रहूंगी कि जब लॉकडाउन का कठिन समय शुरू हो गया, हमारे 30-35 टीम मेंबर प्रार्थना हॉल पे थे, कोई बाहर आना जाना नहीं कर सकते थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस चीज़ को मुझे पहले दिखाया था, इसलिए हमने कई पैमाने में अनाज का स्टॉक करके रखा था। पर हरी सब्जी का तो स्टॉक नहीं कर सकते हैं, फल का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम को कुछ काम नहीं था, बस दिन भर प्रार्थना करते थे। दिन में करीब करीब 8 घंटा प्रार्थना होती थी। बहुत कठिन समय था और हमें ऐसा लग रहा था कि जब तक ये समय खत्म नहीं होगा कोई यहाँ नहीं आएगा। एक दिन अचानक कोई प्रार्थना घर के गेट पे आ गए। क्या आया? टेम्पो आ गया। क्या लाया? बहुत सब्जी लाई, बहुत फल लाए। और बता रहे हैं कि हम तो बाहर रहते हैं, हम तो कुछ भी खा सकते हैं। हम सोच रहे थे केंद्र की टीम अंदर रहती है, क्या खाएगी, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पहली बार हुआ और उसके बाद शुरू हो गया। पूरा लॉकडाउन ख़त्म होने तक प्रभु के लोग आते रहे, दान देते रहे। प्रभु के लोग आते रहे, दान देते रहे। यहाँ तक कि हमें एक छोटी सी मिर्ची भी खरीदने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ा। वचन कहता है, पौलुस कहता है, इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी बहुत होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 106 निवासी शिविर यहाँ हो गए और उसके पहले भी अपने भाड़े के हॉल पे हो गए। हमने किसी से फी नहीं लिया। हम चाहते थे गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिविर में भाग ले सके और परमेश्वर का अनुभव कर सके। हजारों लोगों ने मुफ्त में खाना खाया। आज भी हजारों लोग मुफ्त में खाना खा रहे हैं, मुफ्त में आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है। ये सब कैसा होता है? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान करने की सेवा कर रहे हैं और उनके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो रहा है और परमेश्वर की महिमा बढ़ते जा रही है। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल में कई बार बताया गया है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें आशीष यहाँ तो बहुत मिलेगी पर इससे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में आप दुनिया के बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपको ब्याज सहित वापस देती है। दुनिया की बैंक यदि आपको ब्याज देती है तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? और कितना देगा बताइए? दिन ही दिन दुनिया की बैंक ब्याज का इंटरेस्ट रेट कम करते जा रही है। पहले 12% मिलता था, फिर 10 आ गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया। ऊपर वाले का इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है, बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। कहाँ पे बीज बोना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। दुनिया के बैंकों के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं क्योंकि बाइबल कहती है संसार खत्म होने पर है, दुनिया नष्ट होने को आई है और इसीलिए सारी बातें खत्म होने के रास्ते पर है। पर जिन्होंने ऊपर के बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उनको 5% नहीं, 10% नहीं, परमेश्वर उनको बहुतायत से देने जा रहा है, बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है।
स्वार्थ को छोड़ दो, मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इतना ही देखते मत जाओ। संसार के लोग यही तो देखते हैं और इसीलिए भाई का भी नुकसान करते हैं, अपने बहन का भी नुकसान करते हैं, अपने माँ का और पिताजी का भी नुकसान करते हैं, उनका भी भला नहीं देखते हैं। आप दूसरों का भला देखते जाओ, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की भलाई के लिए देते हैं उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतर आ गया है और वे बदलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम परमेश्वर के समान बन जाते हैं, एक दिन में हम प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको दिन ही दिन करते जाना है, बदलते जाना है, अपने आप में जो भी बुरा है वो निकालना है, ताकि हम बदलते जाएंगे और एक दिन परमेश्वर के समान बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर सच्चा परिवर्तन दिखाओ, स्वार्थ को छोड़ दो, क्योंकि उदारता ये परमेश्वर का स्वभाव है। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव उतर आ गया है। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हो और आपको जरा भी तरस नहीं आती है, जरा भी दिल नहीं करता है कि मैं इसकी मदद करूँ, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं उतरा है। हमें बदलना है कि केवल हालेलुया बोलना काफ़ी नहीं है, केवल गाना गाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दिल को परखता है, जांचता है और उसके अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। इसलिए केवल हम हालेलुया बोलकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, केवल गाना गाकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, बल्कि दिल में सच्चा परिवर्तन लाके और सच्चा बदलाव करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूबी यादव है। तुम्हारी गवाही बताओ। मेरी गवाही यह है कि कल मैं जब भी शाम को प्रार्थना ले रही थी, मैं ब्रदर से बोली कि ब्रदर इस बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ है कि पहले मैं इतना अच्छा प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, इतना अच्छा थी, मेरा मन बहुत लगता था। कल मैं ब्रदर से प्रार्थना ली, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन लगे प्रार्थना में। तो जब भी नाश्ते का टाइम आज सुबह हुआ था तो लोग नाश्ता करके आए, जब वहाँ पर सिस्टर स्तुति कर रही थी तो उस टाइम पर मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो फिर मैं बहुत पश्चाताप करके टूट के आत्मा में होकर रो रो के प्रार्थना कर रही थी। उसी टाइम पर क्या देख रही हूँ कि मेरे सामने एक सर्फ जा रहा है, सर्फ की पूंछ कट गई है। तो फिर मेरे मन में ऐसा आत्मा में ऐसा है कि शैतान का गढ़ टूट रहा है। फिर जब भी सिस्टर प्रवचन दे रही थी तो उसी टाइम पे मैं ऐसे आँख मून के आत्मा में प्रार्थना कर रही थी, तो मेरे सीने में 4-5 दिन से दर्द हो रहा था, आज काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं अपने मम्मी से भोर में बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो मम्मी बोली है कि तू प्रभु के पास आई है ना, परमेश्वर ठीक करेगा, तू प्रभु से प्रार्थना कर। तो मैं प्रार्थना कर रही थी तो सिस्टर बोल रही थी वचन में कि तुम जब प्रभु को गंभीरता से लोगे तभी परमेश्वर तुमको गंभीरता से लेगा। उसी टाइम पर मैं देख रही हूँ कि एक सफ़ेद कबूतर ऐसे उड़ते हुए जा रही है, और फिर उसके बाद देख रही है कि कोई सिस्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रही है। उसी टाइम पे मेरे सीने का दर्द चलोगे, कितने दिन से वो दर्द था? 4-5 दिन से काफी दर्द हो रहा था, आज ज्यादा ही दर्द हो रहा था मेरे सीने में। अभी दर्द पूरी तरह से चला गया? अभी पूरी तरह से चला गया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। मंगीता गौतम। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है सिस्टर, मैं सूरत से आई हूँ, तो मेरे हाथ मशीन में चला गया था और मुझे बहुत दर्द, बहुत जलन, ट्यूब लिया, इसे ड्रेसिंग कराया, फिर भी नहीं गया। ये जो यहाँ पे जख्म हो गई है, यहाँ पे जो जख्म है तो मैं संडे को इधर आई तो मैं ताली बजा के इसे प्रार्थना कर रही थी, तो ताली बजा कर नहीं जमता था, तो मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर रही थी और ये सब दुखता था। कल जो कौंसलिंग प्रार्थना था सिस्टर
मेरे लिए प्रार्थना की, सिस्टर को सारी बातें बताई, सिस्टर प्रार्थना की, तभी रात में मैं सोई में बोली, प्रभु मैंने बहुत पाप किया है, प्रभु मेरा पाप तू जानता है, मैं जानती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु आज रात में कुछ तो कर, मैं सिविल के लिए आई हूँ। तभी मैं रात भर सोई 4:30 बजे, ऐसे सिस्टर लोग सब थी, तो प्रार्थना की एक सिस्टर आई, बोली तू कहाँ आई है, मैं बोली प्रार्थना में, देख तो रही हो प्रार्थना में आई है, तो सिस्टर बोली नहीं तू बता, मैं बोली, वो सिस्टर बोली किसे मानती है तू, मैं बोली यीशु प्रभु को, बोलती है मानती है तो जाके प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा मांग। तो मैं तुरंत उठी सिस्टर, आई प्रभु के पास 4:30 बजे रात, आई यहीं बैठ कर मैं 1 घंटा प्रभु से रो रो कर प्रार्थना की। आप यहाँ क्रूस के सामने कर सुबह बैठ के प्रार्थना कर रहे थे? हाँ, क्रूस के पास रोकर प्रार्थना 1 घंटे बैठी, मैं से आँख बंद की तो मेरे सामने प्रभु का फोटो आ गया। तभी मेरे हाथ में एक काला काला सा सब कचड़ा लगा था, तो ऐसे सब निकल रहा था। आपके हाथ से काला काला कुछ कचरा निकल रहा, ऐसा आप देख रहा था, दिख रहा था मुझे ऐसे काला काला निकल रहा। मैं बोली अरे प्रभु नहीं, मेरे पास साबुन है नहीं पानी है, तो गंदगी कैसे निकल रही है। तभी से मेरा हाथ, अभी कुछ भी दर्द जलन कुछ भी नहीं है, ताड़ी मैं बजा रही हूँ सुबह से, कोई दर्द नहीं है। ये परेशानी कब से हो गई रही थी आपको? तो 15-20 दिन से है सिस्टर, अब ताली नहीं बजा पा रहे 3 दिन से, 15 दिन से ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे, अभी तो मेरा अभी दर्द नहीं हो रहा है। सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। आपका नाम बोलिए। ईसा बिंद। क्या गवाही है आपकी? मैं सोमवार को आई ना, तब से मेरे सर में बहुत दुख रहा था और उल्टी चक्कर के जैसा हो रहा था, और इतना सर दुख रहा था कि सोमवार को रात में मैं सो भी नहीं पाई, और कल थोड़ा बंद हुआ, लेकिन अभी की प्रार्थना में ना मुझे ऐसा प्रकाश के जैसा दिखा, प्रकाश मेरे ऊपर आया और मुझे बहुत कैसा कैसा हुआ, और ऐसा लगा मेरे सर से कुछ निकल रहा है, और अभी मेरे सर का दुख ना पूरी तरह से बंद हो गए। आँखें खोलो। अभी आपका सर नहीं दर्द कर रहा है? नहीं, अभी नहीं दुख रहा है। बिल्कुल नहीं दुख रहा है? बिल्कुल नहीं दुख रहा है। अभी की जो प्रार्थना हुई है अभी आखिरी की, उसमें आपको प्रभु ने पूरी तरह से चंगा किया है? हाँ। ये बहन को प्रभु ने चंगा ही दी है। सब जन ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम नंदा पवार है। वो बता रहे हैं कि गए 7 से 8 महीने से उनको बहुत कमजोरी लगती थी, और उनको पूरे शरीर में चमक मारती थी, पैरों में दर्द होता था, और बहुत भारीपन भी उनको लगता था। उन्होंने विश्वास से इस तकलीफ के लिए निवास शिविर में भाग लिया। प्रभु की महान कृपा उनके ऊपर हो गई। कल की पवित्र आत्मा की प्रार्थना में प्रभु का स्पर्श उनको हो गया, और उनके शरीर की सारी तकलीफें निकल गई है। उनके पैरों का दर्द निकल गया, भारीपन पूरी तरह से निकल गया, उनको बहुत अभी हल्का महसूस हो रहा है। इसलिए आप सभी ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। ये भाई का नाम बालकृष्ण चौहान है। गए 2-3 महीने से इनके शरीर में इनको कमजोरी जैसा महसूस होती थी, और उनका दाहिना पैर भी बहुत दर्द करता था, और इनको उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी, और ये पलती मार के बैठ नहीं पाते थे। इसी हालत में ये निवासी शिविर में आए। निवासी शिविर में कल की मंगलवार की प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु का स्पर्श इनको हो गया, और बताते मंगलवार के काउंसलिंग के दौरान इन्होंने अपनी समस्या ब्रदर को बताई, ब्रदर ने इनको आशीष दिया। आशीष देने के बाद प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई, और जो 2 से 3 महीने के उनके शरीर में जो कमजोरी थी, जो दाहिना पैर दर्द करता था, और जैसा चलने उठने बैठने में तकलीफ होती, वो सारी समस्या प्रभु यीशु ने निकाल दिए। अब ये बिल्कुल भी ठीक ठाक है। इसीलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण गुप्ता है, मैं घाटू पर से आई हूँ। क्या गवाही आपके पड़ोसन की? बहन मेरी पड़ोसी ने और इनके पति का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो 2-3 दिन मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, तो मुझे बताया कि मेरा पति का बहुत तबीयत नहीं ठीक हो रहा है, और बहुत बहन काफ़ी दुखी थी, तो
तो मैं यहाँ से तेल और परमेश्वर का वचन अक्रूस इनके घर में ले जाके मैंने दिया, तो इनकी लड़की थी, इनकी मम्मी हॉस्पिटल चली गई। मैं लड़की को बोली बेटा यही वचन पढ़ के अपने पापा के लिए तुम प्रार्थना करो, तो लड़की प्रार्थना करती थी, फिर उनके घर पर मैं जाती थी, तो हम दोनों लड़की बैठ के प्रार्थना इनके पति के लिए मतलब करते थे। और वो क्रूस लेके गए तो मैं बोली द्वार पर क्रूस लगा दो, तो फिर इनकी वजह से मैं बोली डॉक्टर कब छोड़ने वाला है, तो बोले सिस्टर अभी मैं बता नहीं सकती हूँ डॉक्टर कब छोड़ेंगे, मेरे पति आज सुबह से कुछ खाए नहीं है और बता नहीं सकती हूँ। तो मैं हम लोग ने मतलब बोले कि हे परमेश्वर उनका पति ठीक होकर के अच्छे से घर पे आ जाएंगे, तो ये बहन के मैं लेके यहाँ पे आऊँगी। तो इनका पति आ गए, तो बहन फ़ोन की तो मैं प्रार्थना में बैठी थी, तो बोले कि मेरा पति ठीक होकर के घर पे आ गए हैं, तो उनको डिस्चार्ज मिल गया, ठीक हो गए। आपके पति को क्या क्या तकलीफ थी? पीलिया था उनको, इन्फेक्शन था उनको, आंतरी में सूजन था, इस वजह से उनको पूरा पेट फूक रहा था। तो हम लोग बहुत प्रार्थना करते थे परमेश्वर मेरा पति का अच्छा होना चाहिए ऐसा करके। पीलिया था और आंतरी में सूजन था, हाँ ज़्यादा पेट पूरा फूक गया था, हाँ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो हम लोग बहुत घबरा गए कि अभी क्या होएगा, ऐसा हॉस्पिटल में बोलता था पीलिया ऐसा पेट में उतरने के बाद ऐसा उनको जान का खतरा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं परमेश्वर जान का खतरा है ऐसा बताया था, हाँ सब लोग यही बोलता था कि पीलिया ऐसा खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत परमेश्वर से प्रार्थना कर थे, किरण सिस्टर तेल पानी यहाँ से लेके गए, हम हॉस्पिटल लेके गए उनको लगाए, दूसरे दिन ही परमेश्वर उनको चंगाई दिया। वो लोग बोला कि अभी आप घर पे जा सकते, दूसरे ही दिन चंगाई मिल गई, दूसरे ही दिन उनको चंगाई मिला। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद करती। भाई आप कितने दिन तक बीमार थे? लगभग 15 दिन तक आपकी हालत काफी खराब थी, बहुत ज्यादा था। कुछ खाना वगैरह आप खा पाते थे? थोड़ा बहुत खाता था, ज्यादा नहीं खाने का होते थे। पत्नी बता रही है आपकी कि आपका पेट काफी फूक गया, फूक गया था पेट, थोड़ा फूकेला था। उस समय पर आप काम पर वगैरह जाते थे, थोड़ा बहुत चलना फिरना कि कैसा? नहीं घर पे रहता था, सोएला घर पर सोए रहते थे, चल फिर नहीं पाते थे, नहीं किधर जाता नहीं था, किधर जा नहीं पाते थे। नहीं जब इन्होंने आपके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल किया, तभी आपको क्या महसूस हुआ? अच्छा हो गया। अच्छे हो गए और दूसरे दिन घर पर आ गए? दूसरे दिन डॉक्टर वाला जा सकता है, कुछ नहीं, डॉक्टर ने बताया जा सकते हैं, कुछ भी बीमारी नहीं, और उसके पहले बताया कि जान को खतरा है। अभी आपके पेट में कोई सूजन नहीं, नहीं। खाना वगैरह खाते हैं? आता है अभी। रात में नींद लगती है अच्छे से? हाँ सोता है अभी अच्छा। पीलिया नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल आए है? अभी नहीं है, कुछ बोला चेक कराने के लिए लेकिन नहीं गया चेक, गए नहीं दोबारा आप रिपोर्ट निकालने के लिए। और अभी प्रभु ने इतना अनुग्रह किया है कि आप खुद यहाँ पर चल कर के आए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, प्रभु ने इस भाई को बचाया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आपको क्या हुआ था? मेरे कान में गांठ हो गया था, अगले मई महीने में था मेरे कान में गांठ, अगले पिछले साल में, हाँ पिछले साल में था, लेकिन मैं अब की महीने में मतलब नवंबर महीने में मैं कान का गांठ का मतलब ऑपरेशन भी जो कराई थी, लेकिन नहीं कुछ नहीं आराम हुआ। लेकिन मैं ब्रदर उस दिन आई, ब्रदर के प्रभु के जन्मदिन के आई मैं दिसंबर 24 तारीख को, आप 24 दिसंबर को यहाँ पे प्रभु के जन्मदिन के दिन यहाँ पर आए थे? हाँ आई थी मैं, तो मतलब ब्रदर के कपड़ों को छुई और तब से वो कान का गांठ नष्ट हो गया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। बहन यहाँ सामने आइए, आप बता रहे एक साल से वो गांठ थी और उसका ऑपरेशन कराने के बावजूद दूसरी गांठ वहाँ पर आ गई? हाँ दूसरी गांठ आई उस कान के अंदर, तो लेकिन मैं ब्रदर के कपड़े को छुई इधर आके और पूरी तरह से तब से आज तक वो गांठ नहीं हुआ और पूरा अच्छा हो गया, इसके लिए पर गांठ अंदर से आपको महसूस होती थी मतलब हाथ से मतलब अंदर के जो सुराख था ना पूरा मुन गया था, उससे सुनाई भी नहीं देता था, इस कान से सुनाई नहीं देता था, थोड़ा भी नहीं सुनाई देता था। और मैं ऐसे मतलब प्रभु का आशीष तेल डालते डालते मैं एक दिन आलपिन को इस्तेमाल की, उसको दर्द होने लगा तो आलपिन को इस्तेमाल की, तो मतलब खोदी तो फिर मैं दवाई लेने के लिए गई, मतलब दर्द होने लगा आपको? हाँ, लेकिन तो मैं जब इधर ब्रदर के कपड़े को छुई उसी दिन से मेरा कान का गांठ पूरा नष्ट हो गया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तभी सबको वो कान से सुनाई देने लगा है? अच्छा से सुनाई देता है दोनों कान से। प्रभु ने आपको चंगा किया। और दांत में दर्द कब से हो रहा था? वो 2-3 महीने से बहुत दर्द होता था, तो मैं इधर क्या की मैं बहुत ठंडा पानी बहुत पीती थी घर पे भी इधर भी, लेकिन इधर जब मैं आई तो बहुत सहन से ज़्यादा बाहर हो गया मुझे,
मैं बोली प्रभु ये ठंडा पानी तो आप ही दिए हो, मैं आशीष देकर तुरंत भी, तब से उस 2 महीने हो गया तब से मेरे कान का दांत का दर्द खत्म हो गया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूं ठंडा पानी पीने से। हाँ ठंडा पानी पीने से। सब लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपकी गवाही बताइए। मेरा गवाही ऐसे है, मैं कर्नाटक से हूँ, मैं अपना लैंग्वेज में स्कूल पढ़ी थी, मतलब कन्नड़ में स्कूल हुआ था मेरा, तो मुझे मराठी और हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। मेरी इच्छा थी कि मैं हिंदी और मराठी दोनों बाइबल पढूं, तो ऐसे ही मैं लॉकडाउन में टाइम मिला, ये रात भर लेके बैठते थे, मतलब हम लोग 12 बजे बैठते थे, 4 बजे तक पढ़ते ही रहे। आपके पति? हाँ हम दोनों। वो बोलते थे मैं पढ़ता हूँ तो सुन ले, तेरा बाइबल लेके बैठ और तू सुनता रहे तो आ जाएगा। तो ऐसे ही हम 15-20 दिन में वो जैसे पढ़ते थे मैं सुनती थी उनके पास में बैठ के। तो कभी कभी ऐसा होता था मैं खुद भी पढ़ूँ, मैं प्रार्थना करते रहती थी हमेशा। तो प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे हिंदी और मराठी दोनों पढ़ने आता है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी की। हाँ प्रभु ने मेरी इच्छा पूरी की। बहन बताइए आपको गले में क्या तकलीफ थी? गला मेरा 1 साल से ऐसे लगता था मेरे गले में कुछ अटक गया है। अटकने का मतलब जैसे गाना वाना गाती थी ना, गाना गाती थी तो लगता था कि कुछ फंसा है, ऐसे ऐसे करती थी, पानी पीती थी, अंदर जा रहा है, फिर लगता था मतलब नीचे ऊपर करती थी, कुछ होता नहीं था। ऐसे ऐसे मतलब 1 साल चला। 15 दिन के पहले मैं एक दिन उपवास प्रार्थना में शनिवार के दिन भाग ली थी, तो मैं पूरा प्रार्थना में भाग ली। फिर संडे के दिन भी मैं इधर ही थी सेवा की, घर पे गई तो रात को मैं सोई थी, रात में सोए फिर सोए में भी मैं सपना में मतलब थी, सपना में सिस्टर आशीष दे रही थी आपके बीमारी से पे आप हाथ रखो, तो मैं हाथ रखी थी सपने में। तो मैं वो सपने में हाथ रखने के बाद में थोड़ी देर के बाद मैं प्रार्थना ही घर में थी सपने में, फिर मेरे मुंह से इतना मांस ऐसे खुदुर खुदुर करके जैसे कुछ अटका है ऐसे निकाल रही हूँ, निकल रहा है, इतना निकला, फिर और निकाली, ऐसे धीरे धीरे बहुत मांस, इतना मांस निकल के आया था, लाल लाल कलर का मांस था। तो मैं बोली कि इतना, तो फिर सपना ख़त्म हो गया, मैं सो के सुबह में उठी तो मुझे ध्यान नहीं था। फिर उसके बाद सुबह के टाइम में देख रही हूँ ना, मेरा अच्छा मतलब कुछ ऐसा परेशानी नहीं होती है। ये मतलब तकलीफ लगातार 1 साल आपको थी? 1 साल से ही थी। जब भी बात करते थे या गाना गाते थे तो गल में कुछ अटक गया है ऐसा होता था? हाँ मैं तेल डालती थी, पानी पीती थी, लगाती थी, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तो पानी पीती थी और गले को ऐसे ऐसे करती थी, लेकिन तो भी तकलीफ बनी रही थी। हाँ वैसे रहती थी। लेकिन सपने में जब भी आपने देखा कि सिस्टर चंगाई की प्रार्थना ले रही है, उसी समय पे प्रभु के अनुग्रह से आपकी तकलीफ निकल गई? हाँ उसी समय निकल गई। अभी आप गाना गाते हो या फिर बात करते हो ऐसी तकलीफ नहीं होती है? नहीं होती है, अभी अच्छा हो गया। बहन आपका नाम बताइए। मेरा नाम गीता जायसवाल है और मैं डोंबेवली से आई हूँ। आपको क्या हुआ था? मुझे दिसंबर महीने से खुजली पूरा बॉडी में होता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं रात को नहीं सो पाती थी, ब्लड टेस्ट करवाई, दवाई करवाई, सब कुछ करी, मुझे आराम नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के इस भवन में आई प्रार्थना में, और जब मैं यहाँ से गई तो मेरे को मालूम पड़ा कि ऑनलाइन प्रार्थना होता है, और मैं जब संडे के दिन था जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना अपने बच्चों को लेके सुन रही थी, तो सिस्टर ने जब छुटकारा का प्रार्थना बोला और उसी समय मैंने पूरा घर में ऐसे कलैया मारने लगी, क्या मालूम क्या मेरे शरीर में फील होने लगा, और तब से लेके आज तक मैं सही हूँ, मुझे खुजली नहीं हुआ, ना कोई दवा, ना कोई मेडिसिन, नहीं कोई पानी, कुछ भी नहीं, साबुन जो नॉर्मल था वही है। मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे छुआ और चंगा किया सिस्टर के द्वारा। आप बता रहे कि दिसंबर 2022 से आपको ये तकलीफ थी? हाँ करीबन 1 साल, 1 से 1.25 साल हो गए ये तकलीफ आपको लगातार शुरू थी? हाँ लगातार शुरू थी, मुझे चैन नहीं आता था, मैं कपड़े पहनने के लिए तरसती थी कि कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं ऐसे धूप में नहीं चल पाती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अब मैं चलती भी हूँ, कोई भी कपड़ा डालती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सिस्टर के द्वारा मुझे उद्धार दिया। और इसके अलावा आपको क्या हुआ था?
जब मैं इधर चर्च में आई नया नया तो मेरे दांत में बहुत दर्द होता था और मेरी जैसे बॉडी फूकती थी पचकती थी ऐसे मेरे को मुंह में दर्द हो रहा था दांत में इधर साइड में। तो मैं जब इधर एंट्री मारी मेरे एक ब्रदर हैं सुनील ब्रदर करके, मैं उनको जय मसीह बोली और मैं जब उनको देखी तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि मेरा लोग इधर हैं। और जब मैं यहाँ से प्रार्थना खत्म हुआ गई मेरा दर्द गायब हो गया। मैं पति से रोज़ बोलती थी मुझे दवाखाना लेके चलो दवाखाना लेके चलो। मेरे को 2-3 महीने हो गया, मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरे दांत में दर्द भी नहीं है, प्रभु की महिमा हो। अभी 2-3 महीना बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है जो कि हमेशा रहता था। प्रभु ने आपको चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। दिनेश माइते। आपकी क्या गवाही है? मेरा 10 दिन से पहले सोर्दी काशी और बदनपुर दुखता था और काशी भी होता था, काशी के साथ हिचके भी आते थे, इसलिए मेरे को बहुत तबलीद हुआ था। मैं ब्रदर का कोबर का मिट्टी और प्रार्थना का तेल प्रार्थना करके पूरे बदन में लगाया, अभी बहुत ठीक है प्रभु का दया में। प्रभु के दिल से धन्यवाद देते हैं। और अगली क्या गवाही? अगली गवाही है 6 महीने से मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया था। ख़राब होने के बाद मैं ड्रॉअर में रख दिया था। खराब मतलब क्या हो गया था उसको? बंद ही हो गया था? पूरा बंद हो गया था, चार्जिंग में लिया था पूरा बंद हो गया था, इसलिए मैं ड्रॉअर में रख दिया था, यूज़ नहीं कर रहे। तो 3 दिन पहले क्या हुआ, मैं विश्वास से मट्टी और प्रार्थना का तेल क्रूस लगा के मोबाइल में लगा दिया और 1 दिन पूरा चार्ज हुआ। अभी तो प्रभु का इतना दया है, मोबाइल पूरा ठीक हो गया, इसलिए प्रभु के दिल से धन्यवाद देते हैं। मतलब 6 महीने से वो मोबाइल चार्जिंग में लगा रहे थे, चार्जिंग नहीं हो रहा था, चार्जिंग में नहीं चालू भी नहीं हुआ था, पूरा बंद था, पूरा बंद था। जैसे आपने आशीष तेल और ब्रदर का कब्र का मट्टी लगाया वैसे ही चालू हो गया? पूरा चालू हो गया। अभी चालू है मोबाइल? पूरा चालू है। भाई आपको क्या हो गया था? मेरा साइड पे काम कर रहा था, मशीन से हाथ कट गया था पूरा। कौन सा हाथ कटा था? अच्छा ये अंगूठा कटा था, जो निशान हल्का सा दिख रहा है ये हाथ कट गया था पूरा। तो डॉक्टर में गया तो 16 टाका मारा उसमें। 16 टाका लगा? 16 टाका लगा था। तो 4 दिन दवा सिर्फ किया मैंने, फिर उसके बाद दवा नहीं लिया, आशीषी तेल लगाते गया। यहाँ पे क्रूस का काम मतलब सिस्टर बोले थे तो यहाँ पे आया था, मैं सेवा में आया था। तो मैं बोला टाका लगाओ कैसा जाऊँ, तो घर पे आशीष से तेल लगा के कैंची लेके टाका पूरा काट के निकाल दिया मैंने। 16 टाका अपने हाथ से काट के निकाल दिया? हाथ से निकाल दिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे सेवा में आया और सेवा करते गया और आशीष से तेल लगाते गया, पूरा ठीक हो गया मेरा हाथ। ये ठीक होगा? ये हाथ ये निशान हल्का, इसका जख्म जो हुआ था पहले उसका फोटो है क्या आपके पास? है मेरे पास, दिखाइए। सीता ने ये आप देख सकते हैं, इनका अंगूठा करीब आधा कट गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कटा हुआ है दिख रहा है साहब। और जो टाका चला हुआ था वो दिखाइए, ये टाका है इतने बुरी तरीके से, इतने बुरी तरीके से मतलब कि ये टाका लगा हुआ था जी। और अपने हाथ से आपने काटा? अपने हाथ से पूरा काट के निकाल दिया मैंने। और प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और जख्म भी भर गया? भर गया और आशीषी तेल लगाते गए मैं। जरा अंगूठा लोगों को दिखाइए जो कटा हुआ था, ये अंगूठा कटा हुआ था, प्रभु यीशु ने बड़े अद्भुत तरीके से इसे जख्मों को भर दिया है, भर दिया। अभी दर्द नहीं होता है? अभी दर्द नहीं होता है। ये भाई का अरुण राव नाम है और इनकी समस्या ऐसी है कि करीब 7 साल से जब एक बात करते थे या कोई गाना सुनते थे तो इनके हेडफोन लगा कर तो इनका कान दर्द होता था। 4 महीना पहले जब यहाँ प्रार्थना में पहली बार आए, यहाँ प्रार्थना में भाग ले और इनको अच्छा लगा, जाने के टाइम पे यहाँ प्रार्थना तेल लेकर गए और वो प्रार्थना तेल अपने कान में डाले, उसके बाद से प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ और कान में जब हेडफोन लगा कर सुनते हैं, अब प्रभु का गाना सुनते हैं, अब बातें करते हैं, अभी तभी से इनका कान का दर्द निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई जब आप 4 महीना पहले आए जब प्रभु में, जब यहाँ प्रार्थना में आए, जब प्रार्थना किए अच्छा लगा और तेल लेकर के जाए प्रार्थना तेल, तो जब कान में डाले उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद दर्द निकल गया। अभी गाना सुनते हो प्रभु का और बातें करते तो भी नहीं दर्द होता है? कभी नहीं दर्द हुआ। तब से ठीक है? करीबन हो गया ये 4-5 महीने, जब से इधर आया तब से दर्द चला गया। 4 महीने से ठीक है? हाँ।
आपका नाम बताइए। राजकुमारी यादव। और हाथ में क्या हुआ था? वो लकड़ा से मार लगा था, हाथ के ऊपर लकड़ा गिर गया था। तो अभी ठीक हो गया प्रभु। कितने दिन तक दर्द था? 8 महीना। 8 महीना लगातार दर्द रहता था? अभी ठीक हो गया। काम वगैरह नहीं कर पाते थे? नहीं, यही हाथ से नहीं कर पाते, यही हाथ से करते थे। और मार कहाँ पर लगा था? यहाँ लगा था, लेकिन पूरे हाथ में दर्द था? पूरे हाथ में। और आप प्रभु के पास विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे? तब ठीक हो गया प्रभु। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको ठीक किया है? अभी दर्द नहीं है? नहीं। अभी हाथ आप ऊपर उठा के दिखाइए, अभी नीचे कीजिए, दर्द नहीं होता है, वापस से ऊपर कीजिए। अभी आप घर का सारा काम करते हो? सब काम करते। आपका नाम बताइए। रीता कनौजिया। आपकी बेटी को क्या हुआ था? वो अगले गुरुवार को शाम को टाइम ना इसको बहुत बुखार आ गया था, तो मैंने इसको दवा पिलाया तो लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया, बुखार उतरा ही नहीं। फिर इसको मैंने, मुझे वो गवाही याद हो गया कि जब अपने लड़के को रात को दवा पिलाया सरकारी तो उसको आराम नहीं हुआ, फिर प्राइवेट पिलाया फिर भी नहीं आराम हुआ, तो उसका लड़का बोला नहीं इसको मुझे तेल लगाओ मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब वो तेल लगाया ठीक हो गया तो मुझे वो याद आया, तो मैं इसको तेल लगा के प्रार्थना किया और 5 मिनट भी नहीं हुआ उसका सारा बुखार उतर गया। फिर सुबह जब मैं ये प्रार्थना में आ रही थी बोली मेरी मम्मी पेट दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं बोली चलो प्रभु के भवन में, तो ठीक हो जाएगी। ये जैसे ही आई ना एकदम खेलने लगी, अच्छे से थी, तो गवाही के टाइम बोली मम्मी चलो गवाही दे दो, मैं ठीक हो गई। तो मैं बोली चलो ठीक है, अभी इसका ठीक है, और वो एकदम ठीक हो गई प्रभु। 1 हफ्ता हो गया अभी, उसके बाद में उसको बुखार नहीं आया, पेट में दर्द नहीं, पैर में दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ठीक हो गई वो।
हमारी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु के महान प्रेम के लिए, उसकी महान करुणा के लिए दिल से धन्यवाद करो, उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। देखो इस महान प्रभु की ओर, वह आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी जगह उसकी पवित्र मौजूदगी से भरी हुई है। आप जहाँ कहीं हैं, प्रभु आपके नज़दीक है। अपने आंखें बंद रखो और आत्मा से प्रभु को देखो, वो कितना अच्छा है, कैसा प्रेम से भरा है, वो पवित्र है। देखो इस पवित्र और प्यार से भरे हुए महान परमेश्वर की ओर, अपना सारा दुख बीमारियाँ, अपना सारा बोझ उसके हाथ में दे दो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हम पर इतना प्रेम करता है कि उसने क्रूस पर जान देकर उसके प्रेम का सबूत दिया है, प्रमाण दिया है कि वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, परमेश्वर होकर इंसान बना और पवित्र होकर हमारे सारे पापों को खुद उठाया। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु के बलिदान के कारण हम पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया। तुझे धन्यवाद, तू ही मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहारा है, मेरे दिल का राजा है। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। और अभी प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो, याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सबों को क्षमा करो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें हर दुश्मन को, हर अपराधी को क्षमा करनी चाहिए। याद करो उन लोगों की जिन्होंने आपको सताया, नुकसान किया, धोखा दिया, बर्बाद किया, आपको बदनाम किया। याद करो आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए गुस्सा होगा, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, बहू। याद करो घर के कोई भी लोग या पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, काम के यहाँ के साथी या और कोई लोग होंगे, उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। आपके लिए शायद ये बात बहुत कठिन होगी, पर प्रभु के पास शक्ति मांगो,
क्षमा करने की शक्ति मांगो और सबको क्षमा करो। हर बैरी को बोलना, आज यीशु के नाम से मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। सारा गुस्सा, सारी नफरत अपने अंदर से निकाल डालो, सबको क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। हमारे बताने से पहले वो महान परमेश्वर सब जानता है, इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश ना करो। अपने सारे पापों को नम्रता से कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों पर अन्याय करना, अंधेर करना, मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, किसी को गालियां दी, किसी की निंदा की, किसी का मजाक उड़ाया, कबूल करो। शराब पीकर या किसी नशीले चीजों का सेवन करके आपने खुद का और परिवार का नुकसान किया होगा। नशीले चीजें बेचकर आपने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया होगा, कबूल करो। बहनों, यदि आप अपने पति के अधीन नहीं रहती है, भाइयों, यदि आप अपनी औरत से सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं, आपने आपके बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं किया होगा, उनके प्रति आपका जो फर्ज है उसे नहीं निभाया होगा। बच्चों, यदि आप माँ बाप की सुनते नहीं है, उनको उल्टा जवाब देते हैं, उनके साथ झूठ बोलते हैं, कबूल करो। हर कोई अपने अपने पाप को कबूल करे और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने सारे पापों के लिए आज सुबह कर पश्चाताप करो, रो, आंसू बहाओ पापों के लिए। पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। टच टच टच। और अभी पापों की प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें क्षमा दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर जान दी है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले उसके पवित्र लहू की धारा को देखो। अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है,
स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज आप यीशु को ग्रहण करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और मुक्ति पाई है आपको ये प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।